गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्विक सा मेकअप ट्यूटोरियल प्लस अ क्विक रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो इन विच द मेन फोकस ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी दिस पैलेट। दिस इज अ पोपेक्सो मेकअप कलेक्शन इंस्टाग्राम फेस किट इन विच यू आर गेटिंग अ ब्लश हाईलाइटर एंड सेटिंग पाउडर। आई हैव शेयर्ड दिस पैलेट विथ यू इन प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव शेयर्ड माई ग्लैम हॉल। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो सो quickly you can go and watch that video. So what I am going to do, I will just prep my skin and I will do my base and then I will use this palette to fix my makeup and for blush and for my highlighter and as well as for my basic eye makeup. So firstly I am using this Swiss Beauty Real Makeup base, then I am using a purple foundation and isme maine mix and match kiya hai. सो एज़ यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी यूज अ फाउंडेशन एंड मैंने अपने नेक पे कुछ भी नहीं यूज़ किया है, मैं मन नहीं कर रहा था नेक पे कुछ भी यूज़ करने का। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द आवर मेन स्टार प्रोडक्ट दैट इज पोपेक्सो फेस किट। ओके सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ सिंगल ब्रश दैट इज़ फ्रॉम फोकलेयर एंड मैं इसमें कुछ नंबर्स नहीं रहते हैं एंड मैं इस वाली पैलेट को यूज़ करने वाली हूँ एंड मैं कोई ब्रॉन्जिंग या फिर कॉन्ट्रोरिंग नहीं करने वाली हूँ आज अपने फेस की। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पाउडर सेटिंग पाउडर एंड एक ही ब्रश मैं यूज़ करूँगी एंड इसकी हेल्प से जस्ट मैं अपना सेट कर लूँगी। इट्स नाइस, इसने काफ़ी अच्छी तरीके से फेस को सेट कर लिया एज आई कैन सी। या सो नाउ आई एम यूजिंग दीज ब्लशेज एंड मैं दोनों को मिक्स करके आई विल यूज़ दैट एंड मैं छोटू सा ब्रश मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका पेन साइज जो है वो छोटा सा है, तो आप अगर स्मॉल ब्रश यूज़ करोगे सो इट विल बी गुड। सो आई एम गोइंग टू मिक्स दीज टू शेड्स एंड एक्सेस को हम रिमूव करेंगे एंड मैं जस्ट इसे यूज़ कर। ओके सो इफ़ यू वॉन्ट अ नेचुरल ब्रश सो यू कैन गो फॉर दैट वन एंड अगर आपको और ज़्यादा यू नो ऐसा ब्रश चाहिए जो कि एक्चुअल में विजिबल हो सो यू कैन गो फॉर दिस के प्ले रेसबेरी ब्लश। ये मेरा फेवरेट ब्लश है एंड या एज ऑफ नाउ आई हैव यूज पोपेक्सो वाला। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस हाईलाइटर फॉर एंड आई विल यूज द सेम ब्रश। वेल दिस इज अ शैम्पेन काइंड ऑफ शेड एंड ये मुझ पर इतने ज़्यादा सूट नहीं होता बट स्टिल लेट्स ट्राई। ओके सो इट्स नॉट दैट मच विजिबल बट अगर आप इन पर्सन देखते हो रियल में सो ये काफ़ी ज़्यादा सटल सा लग रहा है। आई गेस ये हैंड से ज़्यादा अच्छे से पिक हो रहा है सो आई एम यूजिंग दिस विथ हैंड्स। हाइलाइटर इज़ वॉर्म बट इफ़ यू हैव अ मीडियम स्किन टोन सो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब से लगने वाला है बट फॉर मी ये थोड़ा सा गोल्डन टोन दे रहा है बट इट्स ओके इफ आई विल सेट इट विथ सेटिंग स्प्रे और फिक्सर सो इट विल लुक गुड। एंड एज आई सेड कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने वाली नहीं हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ मैं इसी वाले को लेकर ये वाला जो हाईलाइटिंग शेड है इसी को ही लेकर आई विल जस्ट यूज इट ऑन माई आईलिड्स एज इट इज़ एंड मैं कुछ ज़्यादा यूज़ करने वाली नहीं वाली। जस्ट लेट मी ब्रिंग मिरर क्योंकि मैं कुछ भी मेरे पास नहीं है। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई मस्कारा एंड द मस्कारा विच वन आई एम यूजिंग हेयर राइट नाउ इज फ्रॉम मेबलिन। आई ऑल्सो हैव माई ग्लैम का मस्कारा बट वो मेरा टूट चुका है सो आई हैव टू यूज दिस। सो दैट इज इट, नाउ आई विल कम्प्लीट दिस लुक विद लिपस्टिक। आई एम नॉट गोइंग टू सेट दिस होल मेकअप एंड ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग एल्स नॉट इवन अ लैशेज। Like the way it looks on me, so yeah, I just like this simple वाले makeup look. Also आपको इस पूरे video में से whole video में से जो भी आपको पसंद आया हो आप नीचे link दी हुई हैं उन link के through you can go through those links and you can buy your favorite products. And also आपको बहुत अच्छा discount मिल जाएगा अगर आप मेरे link के through जाते। I hope you liked this video, you liked this whole look tutorial. If you found this video helpful, so do like this video, subscribe my channel and yeah, share this video. And yeah, if you want to buy anything from these products, so you can just go through my link which is given in description box. And also you can follow me on my Instagram and my Instagram handle will be given in description box. So do check that out. See you soon in my next video. Till then, bye bye. Bye.